छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नवरात्र के छठवें दिन धर्मनगरी डोंगरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मां बम्लेश्वरी के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। इसके बाद डोंगरगढ़ में मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह अप्रत्याशित रिजल्ट निकलकर सामने आया है, ऐसा रिजल्ट कहीं दिख नहीं रहा था। सर्वे भी यह बात बता रहे थे कि वहां बीजेपी जीत नहीं रही है और जैसे पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी और जैसे ईवीएम खुला भाजपा आगे हो गई। वहीं नक्सलियों के खात्मे को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि वैसे तो पूरे देश से ही नक्सलवाद अब समाप्ति के कगार पर है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ ही कुछ राज्यों में थोड़े बहुत बचे हैं। ये अप्रत्याशित है क्योंकि मैं भी 3 दिन वहां रहा और ऐसा कहीं दिख नहीं रहा था और सारे जो सर्वे है वो भी बता रहे थे कि वहाँ नहीं आ रही है। और जैसे पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी और जैसे ईवीएम खुला भाजपा आगे, तो छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, पोस्टल बैलेट खुला कांग्रेस आगे थी, मध्य प्रदेश में सब जगह वही, और यहाँ बैलेट के बाद ईवीएम खुलता है भाजपा आगे।